नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने ही चैनल द बेस्ट कल्प जॉब में। मैं आपका दोस्त वीर लेके आया हूँ बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग जानकारी। जानकारी ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है दोस्तों। जिस मेरे भाई ने पहली बार वीडियो देख रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो दबा के कर दो शेयर, कहीं किसी और के भी काम आ जाए आपके दोस्त के, अगर आपका काम नहीं है। नहीं तो आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मिलेंगे तुक्के से स्क्रॉल करते हुए। दोस्तों बात कर रहा हूँ हेल्पर की, इंडोर हेल्पर। आपको पता है हेल्पर की जॉब इन दुबई में, मतलब हेल्पर कहीं भी हो सकता है, सुपरमार्केट में हेल्पर होता है, वेयरहाउस में हेल्पर होता है। इंडोर हेल्पर की मतलब आपको एक बात बताता हूँ, लोडिंग अनलोडिंग ये सारी चीज़ों को मिलाकर देखो हेल्पर, जो बंदे के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ, जिस बंदे के पास स्टडी एजुकेशन बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, जिसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और पढ़ा लिखा है, एज होगी 25 साल की, अभी तक कोई जॉब सेटल नहीं हुई, तो उसके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। हेल्पर की जॉब है, 1000 से 1200 दिराम सैलरी है। सैलरी बता देता हूँ, उसके बाद अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस पेड बाय कंपनी है, वीज़ा पेड है बता देता हूँ, टिकट और वीज़े के पैसे देने और दुबई पहुँचना है। आपको बता देता हूँ इसमें 2 साल का वर्क परमिट है आपका, किचन फैसिलिटी दे रहे हैं आपको, अकोमोडेशन दे रहे हैं और आपको फूड भी दे रही है कंपनी, और इसमें ड्यूटी ऑन मील है, फूड मतलब फूड है जो वो ऑन ड्यूटी है। जब आप दिन में ड्यूटी करते हैं तो आपको लंच टाइम हो गया, शिफ्टिंग चलती है 8-8 घंटे की, तो अगर आपका डिनर की शिफ्ट है, रात की शिफ्ट है तो आपको डिनर मिलेगा, दिन की शिफ्ट है तो आपको लंच मिलेगा, ब्रेकफास्ट भी मिलता है। तो आपको हेल्परों के लिए सबसे अच्छा आपका मेडिकल होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इधर से ही लग के जाना है, 2 साल का एग्रीमेंट है, कंपनी का नाम, सारी चीज़ें डिटेल में आपको नीचे दिए गए नंबरों पे सारी डिटेल समझा दूंगा। जो भी बंदा हेल्पर में जाना चाहता हो, वेयर हाउस हेल्पर में लोडिंग अनलोडिंग का काम है, 8 घंटे की ड्यूटी है, 3 घंटे ओवर टाइम है, आपको सारी फैसिलिटी है दुबई एज पर UAE लॉ, जो भी वहाँ का लॉ है मिल रहा है, और बेटर देन ये चीज़ है भी यहीं से एम्प्लॉयमेंट लग के जाना है, वहाँ पे धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, यहाँ से ही एम्प्लॉयमेंट लग के जाएगा। बहुत अच्छी जॉब है, ग्रेटर अपॉर्चुनिटी है। जो भी बंदा इंटरेस्टेड हो, नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क करो, इंटरव्यू की डेट डालो और अपना काम करवा लो। क्योंकि आपको एक बात बता देता हूँ, हेल्पर में आप यहाँ से जाते हैं, कोई भी कहीं भी आप काम करो, उमन से आपको 25 से 30 हज़ार रुपये बनता है, तो जॉब अच्छी है। 25 दुबई जाने का तभी फायदा है अगर 25 हज़ार रुपये आप सेव करते हो, तो ये इस जॉब में आपको 30 हज़ार रुपये तक बनते हैं, तो 25 से 30 हज़ार का अगर एवरेज आ रही है तो आप सेफ हो। क्योंकि पेट्रोल पंप पे भी अगर आप पेट्रोल डालने का भी काम करते हो तो भी 25-30 हज़ार रुपये बनते हैं, तो ये जॉब अच्छी है। 8 घंटे 10 घंटे जो भी आप काम करते हो, ओवरटाइम लगाते हो, जुम्मा इसमें पक्का है, जुम्मे का देख लो, बात सुन दो, फ्राइडे के दिन छुट्टी होती है, क्योंकि UAE में 2 टाइप के हॉलीडेज हैं। पहला हॉलीडे वाइट कॉलर के लिए जो संडे का हॉलीडे है, और ब्लू कॉलर जो हेल्पर लोग होते हैं, ब्लू कॉलर में आते हैं, इनकी जॉब का जो है वो फ्राइडे ही रखा गया, फ्राइडे को ही जुम्मे की नमाज के लिए उन्होंने जुम्मा ही रखा है। तो आपके लिए ये ग्रेट एन अपॉर्चुनिटी है, जो बंदा जाना चाहता है। आपको अकोमोडेशन, जो रहन सहन है, जो कमरा है, वो आपको मिलता है शेयरिंग में, 4-5 बंदे होते हैं उसमें, आपको किचन शेयरिंग में मिलती है, खाना बनाएं, आप अपना फूड पकाएं, जो भी आप अपना खाना चाहते हैं, साउथ इंडियन है तो साउथ इंडियन डिश पका सकते हैं आप, आपकी नॉर्थ इंडियन है तो नॉर्थ इंडियन डिश पका सकते हैं आप, जैसा भी आपका जैसा ध्यान हो, जैसा आपका काम हो, वैसा आप कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद सेकेंड नंबर की जॉब मैं बता दूँ आपको, जो वेयर हाउस हेल्पर के अलावा पेट्रोल पंप पे कार वॉशर की जॉब है, कार वॉशिंग का जो काम इंटरेस्टेड बंदे हों, और टायर मैन की जॉब है, जो टायर को चेंज करना, टायर में पंचर लगाना, टायर मैन की जॉब है। अलाइनमेंट का अगर काम आता है तो उसको अलग जॉब दी जाएगी। ये 4-5 जॉब अपने पास निकल के आई हैं। जो भी बंदे इंटरेस्टेड हो, प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, आपके लिए ग्रेट एन अपॉर्चुनिटी है, यही बात बताऊंगा, क्योंकि अच्छी जॉब निकल के आई है। बहुत कम जॉब आती है दुबई के लिए, अभी तो क्राइसिस आया हुआ है, जैसे आपको यूक्रेन और रशिया की फाइट के बाद बहुत सारा क्राइसिस आया, कंट्रियों में वीज़ा निकलना मुश्किल हो रहा है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट की मारो मार पड़ रही है, तो ये आज के टाइम के अलावा अच्छी जॉब है। कम पढ़े लिखे जो बंदे हैं बिल्कुल उनके लिए जॉब अच्छी है, टायर मैन के लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, और हर बंदे के लिए अच्छी अच्छी जॉब है। जो भी जाना चाहते हो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर लो, आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध है सुविधा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।